भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो है पुलिस बलों के साथ जो है सिटी डीएसपी राजवंत सिंह भी साथ में है, और किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है। कोतवाली चौक से फ्लैग मार्च निकाला गया है और ये पूरे शहर में जो है फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस बलों की तैनाती की गई है, साथ ही काफ़ी पुलिस बलों के साथ जो है दंडाधिकारी की भी तैनाती की गई है। हम आपको बता दें कि सूबे में कोरोना का जो है संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और खासकर भागलपुर शहर में जो है कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी, जिसको लेकर जो है जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जो है 9 जुलाई से 16 जुलाई तक शहर में लॉकडाउन का फैसला लिया है। इसके साथ भागलपुर, नवगछिया और सुल्तानगंज, कहलगांव क्षेत्र, शहरी क्षेत्र को लॉकडाउन किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है भागलपुर में जो है लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो है पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च में जो है सिटी डीएसपी राजवंत सिंह वो नेतृत्व कर रहे थे और खासकर जो है काफ़ी अधिक संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि भागलपुर में लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए जो है पुलिस जो है वाहन चालकों से सख्ती से पेश आ रही है। हालांकि वाहन परिचालन पर रोक नहीं लगाया गया है, लेकिन बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस जो है सख्ती से पेश आ रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है और लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए जो है पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और खासकर दुपहिया वाहन चालकों से सख्ती से पुलिस पेश आ रही है। और जो है यहाँ पर सभी दुकानें जो है खासकर दुकानों के लिए जो है समय सीमा निर्धारित की गई है। किराना की दुकान जो है सुबह के, अब देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस पूछताछ कर रही है और जो है फ्लैग मार्च निकाल कर जो है लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए जो है पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। भागलपुर शहर का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और हम आपको बता दें कि कोरोना का जो मामला था, संक्रमण का मामला लगातार शहर में बढ़ता ही जा रहा था, जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 9 जुलाई से 16 जुलाई तक शहर को लॉकडाउन किया है और लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए जो है पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। काफ़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है और जो है फ्लैग मार्च के जरिए जो है फ्लैग मार्च को निकालकर लोगों को खासकर के जो वाहन है दोपहिया और चरपहिया वाहन है वैसे वाहन चालकों से पूछताछ कर रही है और काफ़ी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और इसका जो है नेतृत्व सिटी डीएसपी राजवंत सिंह खुद कर रहे हैं। आप भी अपने घरों से बेवजह ना निकलें और जिला प्रशासन, भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की सहयोग करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की अपनी सहयोग दें। यह सहयोग आपके देश के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके समाज के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। विकास कुमार सिंह, सुमित राज के साथ सिल्क टीवी, भागलपुर।